हैंडरसन एंड हैसलबाच इक्वेशन से हमें क्लियरली आइडिया मिला था कि हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं किसी भी एसिडिक या बेसिक बफर का पीएच। यहां तक हमने बेटा डिटेल में आपको बताया था। अब देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं बफर कैपेसिटी की, डिनोटेड बाय बीटा, ऑल्सो नोन एज बफर इंडेक्स, बफर एफिशिएंसी और बफर वैल्यू। अब इस बफर कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस हमें चाहिए ताकि हम बेटा 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज करेंगे बाय 1 यूनिट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बफर कैपेसिटी, और इन अदर लैंग्वेज आई कैन से लाइक दिस, बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस दैट कॉजेस द चेंज इन द पीएच ऑफ ए लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट। क्लियर हो गया बेटा? इसी बफर कैपेसिटी को हम डिनोट बीटा से करते हैं। इस बीटा के लिए आपका जनरल एक्सप्रेशन क्या बनता है? दैट्स dN by d of pH. Now what is dN? dN is the infinitesimally small number of moles of acid or base added divided by d of pH. What's d of pH? d of pH is the infinitesimally small change in the pH. It's equal to 2.303 kW divided by H positive ion concentration plus H positive ion concentration plus C buffer, where C buffer is also known as TBC, total buffer concentration, into KFA, dissociation constant of acid, into, or I can say simply, ionization constant of acid, concentration of H positive ion whole divided by Ka plus H positive ion concentration ka whole square. Ye beta hamara बीटा बफर कैपेसिटी का जनरल एक्सप्रेशन बनता है। क्लियर हो गया? अब देखिए बेटा, जब हम इस बीटा की बात करते हैं, इस बीटा की एक्सप्रेशन में जो पहली दो टर्म्स है, चाहे मैं इस वाली टर्म की बात करता हूं या दूसरे वाली टर्म की बात करता हूं, दीज फर्स्ट टू टर्म्स, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, इनका जो वैल्यू होता है, दैट्स वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू दिस थर्ड टर्म। That's why beta, इन दोनों का summation, इसको हम beta neglect करते हैं। Then हमारा जो final expression after neglecting first and second term, जिसका value third वाली term से बहुत कम होता है, हमारा beta, हमारी buffer capacity का जो general expression बनता है, that's 2.303 into C buffer. What is C buffer? It is a total buffer concentration. किसके बराबर होता है beta? It's equal to concentration of HA, that very acid, उस acid का concentration कितना होगा, plus the concentration of anion, into KFA, KFA फिर से आपका बनेगा उसी acid का ionization constant or dissociation constant, and H positive ion concentration whole divided by K plus H positive ion का concentration। यहां तक आपको clear हो गया? उसके बाद बेटा सबसे important बात जो बहुत सारे computer exams में पूछी जाती है, जब भी बेटा किसी भी बफर का पीएच का वैल्यू बेटा आपके किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू पी आपकी ये वैल्यू, बट द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी बफर इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ दैट वेरी एसिड, देन बेटा उस बफर का मैक्सिमम वैल्यू होता है बफर कैपेसिटी का, एंड दैट मैक्सिमम बफर वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी बीटा मैक्सिमम डिनोटेड बाय बीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.303 टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन टीबीटी डिवाइडेड बाय 4 बीटा। यहां तक बेटा आप कैलकुलेट कर पाते हो बेटा किसी भी बफर का मैक्सिमम बीटा का वैल्यू। बीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब उस बफर का बेटा पी एफ के ए हो गया। अगर मैं बेटा किसी बफर की एग्जाम्पल लेता हूं, लेट्स से मैं एग्जाम्पल लेता हूं क्यूनोलून, क्यूनोलीन एंड क्यूनोलीन हाइड्रोक्लोराइड, इट्स अ बफर। अगर इस बफर की हम बात करते हैं, इस बफर का मैक्सिमम बीटा कब होगा, इस बफर का बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स, बफर